रमजान गर्ल, मंकू ने आपका झूठ पकड़ लिया। अगर आपने फिर से झूठ बोला तो ये आपको नहीं छोड़ेगा। ये दाएं ओर की रास्ते पर हमने गहने छुपाए हैं। सच बताता हूँ, गहने सीधे रास्ते पर छुपाए हैं। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इब कौन सा रास्ता लेना से? बताओ 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 रब बता भी दे। अब ये वाला। नहीं नहीं नहीं, ये वाला। चीचे, ये मंकू के रहते हम भाग नहीं पाएंगे। किसी तरह इस मंकू को रास्ते से हटाना होगा। अरे चीचे, क्या हुआ आपको? अब मंकू कुछ नहीं बोल पाएगा। मुझे माफ कर दे मंकू, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गहने वहाँ है। ओ, देखा बंदूकनी जी, हमारे मंकू का कमाल। इब कौन सा रास्ता लेना सर? बस यही कहीं हमने वो गहने छुपाए हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, ढूंढने पड़ेंगे। मंकू की आंखें चमक नहीं रही, इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा। लगता है ये डंका ढोलकी की कोई चाल है, मुझे कुछ करना होगा। ओए चाचा, अभी तो इस मंकू को हमारे सर से उतारो। ओए भतीजे, ओए अब झूठ नहीं बोलना, वो फिर से सर पे बैठ जाएगा। ओए नहीं 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 नहीं, नहीं। ओए एक मिनट, मैं ही निकल लेता हूँ। अरे चाचू सुनो तो। मैं इधर तो नहीं है। इधर 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 किधर गया? चोर चोर। चिच्चे, आप देखो मैग्नेट का कमाल। बुआ, अपनी लाठी का कुछ कमाल तो दिखाओ, हमें मैंगो तो खिलाओ। अरे हाँ, हम तो भूला ही गए। लाठी का बटन कहाँ चला गया? आई, ये तो खोजी अंकल की गैजेट लाठी नहीं है। उसे तो लाठी किसी ने नहीं ली। चाचू आपसे? कोई आया तो था मेरे पास। मैंने एक बुजुर्ग को रास्ता पार करने में मदद की थी। यानी उसी आदमी ने आपकी लाठी चुराई है? अरे अभी अभी तो लाठी मिली थी। हाँ नहीं तो अब तुम उसको घुमा भी दिया, बदमाश कहीं के। फिकर मत कीजिए बुआ जी, चोर लाठी लेकर तो भाग गया, लेकिन भाग के जाएगा कहाँ? क्योंकि लाठी का रिमोट मेरे पास है। इस लाठी में कुछ खास फीचर्स हैं, जिन्हें सिर्फ इस रिमोट के जरिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पर पहले जरा देखें तो लाठी है कहाँ? लाठी पास ही में है। अब वक्त आ गया है हेलीकॉप्टर चलाने का। रुक, कहाँ जा रहा है? वाह, ये रहा आपकी नई लाठी का चोर। अरे ये तो वही है जिसकी वजह से बस में हमारी लाठी टूटी थी। अभी इसको मजा चुखाती हूँ। हाँ नहीं तो ना रहेगी लाठी और ना मारेगी दादी। बुआ,
हुआ, लाठी भले ही टूट गई हो पर आपको गिल्ली डंडा तो खेलना आता है ना। अरे वाह भतीजावाद का याद दिलाया हमको, हमारा बचपन याद आ गया रे। हम तो गिल्ली डंडा में चैंपियन रही हूँ। हाँ। तो ये रही आपकी गिल्ली, अब मारो इन्हें डंडा। चिच्चे, चल निकल लेते हैं। अरे हट, मैं हूँ ना इधर, आ गिल्ली से मारेगी। अब आएगा मजा। भतीजे, ओए भतीजे, ओए मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। चाचू थोड़ी देर कंट्रोल कीजिए ना प्लीज। ओए भतीजे तू समझ नहीं रहा, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ओए भतीजे जल्दी कुछ चटपट आइडिया निकाल। आइडिया। अरे अरे बिजली चली गई, क्या हो गया, ये क्या हुआ? बत्ती बुझाने से तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। यहाँ तो नहीं है ये। नहीं। हाय हाय हाय, वो जी जूस लाना है जी। अच्छा हुआ बिजली आ गई। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी को तो मैं अभी अभी बाथरूम में बंद करके आया हूँ, ये फिर से पेंटिंग में कैसे आ गया? लगता है ये इनकी कोई नई चाल है। आपने जो नई पेंटिंग में राजा बनाए हैं, वो हूबहू चाचू जैसे लग रहे हैं। क्या बात है रंगीला अंकल। बहुत हो गया सुल्तान साहब, अब मैं आपको इस पेंटिंग की असलियत बताता हूँ। इस पेंटिंग के पीछे एक आदमी छुपा हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो मतलबी सिंह? बकवास नहीं। मैंने तुम्हें अपनी पेंटिंग बिकवाने के लिए कहा था, तोड़ने के लिए नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। अब वो आदमी इस दीवार के पीछे छुपा है, मैं ये दीवार ही तोड़ देता हूँ, तब तो आपको यकीन हो जाएगा। ओए मतलबी सिंह, तुम यहाँ हो तो पेंटिंग में कौन है? अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ऐसा कैसे हो सकता? किसी बड़े हॉल में जाना होगा। क्यों नहीं, चलिए। छाते का इस्तेमाल धूप या बारिश से बचने के लिए किया होगा, लेकिन यह छाता वैसा नहीं है, यह एक अनोखा छाता है। आओ रोजे, कुछ कर, भतीजे को रोकना ही होगा। योगी, मेरे इंजन के कार्बोरेटर में एक आइडिया अटका है, बोलो तो निकालो। निकाल निकाल, जल्दी निकाल। बॉस,
अब खोजी के छाते का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। क्राइम का पावर, क्राइम मास्टर जोगावर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ खोजी अंकल मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। अरे, 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 बचाओ। जोगावर, तुम्हें उड़ने का बहुत शौक है ना, तो ये लो। और रोजी, लगता है तुम बहुत दिनों से नहाए नहीं हो, ये लो। ये छाता ड्रोन की तरह हवा में उड़ते हुए पूरे शहर के पिक्चर्स क्लिक करता है।